Hi guys, welcome back to my channel. This is Shushmi. So today I'll be sharing with you guys my night makeup routine. So today I'll be sharing with you guys my night skincare routine. It's ekdam simple sa. And agar pehli baar aaye ho mere channel par, then please do subscribe to my channel if you like the content and also press the hit button. And also press the bell icon ताकि मैं जब जब भी आऊँ आपको notification मिले. So let's get started. मैं ना पहले अपने hair को tight up कर लेती हूँ. So सबसे पहले मैं अपने face को wash कर लूँगी. And wow, Morocon Argan Oil Foaming Face Wash. And ये face wash बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. And मैं इसको रात में यूज़ करती हूँ. मैं पहले जब मैं इसको यूज़ करती थी तो मैं डे में भी यूज़ करती थी, रात को भी यूज़ करती थी. लेकिन जब कंटिन्यू मैं मतलब ये 1 week और 2 week इसको रात में यूज़ करती थी, सुबह उठकर मतलब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगती थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा. सो मैं इसको अब से रात में ही यूज़ करूँगी एंड करती हूँ एंड मैं इसको आज भी करूँगी. सो या एंड इसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपको मतलब जो भी फेस वॉश है ना वो हैंड्स में लेकर उसको रब करके फिर आपको उसमें अप्लाई फेस में अप्लाई करना पड़ता है. लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपके मेकअप डर्ट्स को भी रिमूव करने में हेल्प करता है. So my skin looking so glowing. And always towel को आप ऐसे dab dab करके ही apply करो, don't rub it. And मेरे आँख में थोड़ा सा काजल अभी भी है and क्योंकि मैंने eyes को rub नहीं किया है, क्योंकि don't rub your eyes because हमारे eyes बहुत ही ज़्यादा sensitive होते हैं. So don't rub your eyes. आप को मैं एक हैक बताती हूँ. आई थिंक ये बहुत पुराना हो चुका है, सब लोग ये आई थिंक जानते हो, फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ एंड ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और सो हेल्पफुल भी है. सो या एंड मैं इसको ऐसे लूँगी एंड मेकअप रिमूवर लूँगी, फिर मैं इसको ऐसे लेकर ऐसे एंड ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है. मैं आज एक चीज़ करनी भूल गई हूँ, मैं हमेशा मेकअप फेस वॉश करने से पहले मेकअप रिमूवर या फिर कोकोनट ऑयल से अपनी मेकअप को पहले रिमूव करती हूँ फिर फेस वॉश करती हूँ. लेकिन मैंने आज ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं क्यों मैं हमेशा भूल जाती हूँ वीडियो करने से पहले. मतलब जब भी वीडियो करने बैठती हूँ तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ. सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पहले कोई भी मेकअप रिमूवर या कोई भी वाइप से एंड ऑल्सो कोई भी कोकोनट ऑयल से आप अपने मेकअप को पहले रिमूव कर लो, फिर कोई फेस वॉश की मदद से आप फेस को वॉश कर लेना, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए. फिर मैं अप्लाई करूँगी टोनर. टोनर आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और उसको स्किन को हाइड्रेट भी करता है. सो वी ऑलवेज यूजिंग अप्लाई टोनर आफ्टर फेस वॉश. एंड मैं आज यूज़ करूँगी ये वादी की प्योर रोज वाटर एंड इसका स्मेल ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग. मुझे टोनर लगाना बहुत पसंद है. मैं जब भी कोई भी टोनर लगाती हूँ मतलब टक 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 करती रहती हूँ. मैं अप्लाई करूँगी वे वाओ की रेटिनल फेस सीरम एंड क्योंकि विंटर भी है एंड ऑल्सो विंटर के टाइम पे आपको आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगता है. सो या एंड आप ऑलवेज एक ऑयल वाला सीरम यूज़ करो तो भी तो ज़्यादा अच्छा है. मैं गुड वाइब्स की एक रोज़ जो सीरम है वो भी यूज़ करती हूँ रात को कभी कभार या डे में भी कर लेती हूँ. लेकिन मैं रोज़ रात को ये वाओ की ये सीरम अप्लाई करती हूँ बिकॉज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये एज भी डिपेंड करता है एंड ऑल्सो एंटी एक्ने एंटी एजिंग रिस्टोरिंग एडवांस एजिंग बूस्टर भी है. मैं जब सुबह उठती हूँ ना मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग रिफ्रेशिंग लगता है फेस. सो या एंड राइटिंग
to pump. नेक्स्ट अप आई यूज नाइट क्रीम एंड आप कोई भी नाइट क्रीम लिख सकते हो या कोई भी मॉइस्चराइजर जो आपको सूटेबल हो एंड मैं ये ले रही हूँ लैक्मे की एब्सोलेट परफेक्ट रेडियंस ब्राइटिंग नाइट क्रीम. आप जितनी मसाज करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा. एंड नेक्स्ट मैं यूज करूंगी ये हिमालय की लिप बाम. गाइज दैट्स इट्स फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये पसंद आए एंड मेरा ये छोटू सा नाइट स्किन केयर उतना ज़्यादा खास नहीं था लेकिन हाँ मैं इसको ही फॉलो करती हूँ. लेकिन हाँ ये आई थिंक एक या दो महीने में फिर से चेंज हो जाएगा सो तब मैं एक और शेयर कर दूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर. बाय बाय.